हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। इंडियाज फर्स्ट फ्री ऑनलाइन स्कूल। चैप्टर 4 आज डिस्कस करना है और पूरी दुनिया आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जूझ रही है। तो आज हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लाइमेट, क्लाइमेट जलवायु। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट द विंड सिस्टम, अबाउट द मॉनसून्स, भारत में बारिश कैसे होती है और क्लाइमेट चेंज क्या होता है। इन सभी चीजों से हम आज रूबरू होंगे इस वीडियो में। सारा मटेरियल तो शायद एक वीडियो में कवर हम ना कर पाए, लेकिन सेकंड वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है, पहले सुनिएगा, समझिएगा, फिर आपको नोट करने का पूरा समय मिलेगा। ये वीडियो आपके ऐप पे स्टोर है, कितनी बार जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हैं और अपने 5 नए फ्रेंड्स को भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा, क्लाइमेट के साथ एक चीज और होती है, वेदर। वेदर इसको बोलते हैं मौसम। तो पहली चीज तो बेटा, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, क्या दोनों सेम है क्या अलग अलग, ये ध्यान से समझ। वेदर क्या है? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म चेंज इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब इसको क्या कहेंगे, मौसम क्या है, एक हल्का बदलाव, हल्का परिवर्तन है वायुमंडल में। जैसे इसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में आप उठे, खूब तेज धूप थी, दोपहर में भी खूब तेज धूप थी और शाम को बारिश हो, अगले दिन सुबह आपके बादल आ गए, फिर दोपहर को धूप आ गई, शाम को फिर बारिश आ गई। यानी कि एक शॉर्ट टर्म में, यानी कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ठीक है, इनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। तो वेदर क्या है, एटमॉस्फेयर में जो एक्टिविटी होती है वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होने वाली। अब बेटा एक बात बताओ, जो बारिश है वो 12 के 12 महीने तो नहीं होती भारत में, कुछ एक पर्टिकुलर डेज हैं, 2 से 3 महीने ही होती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वेदर का मतलब होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखने से पहले वेदर रिपोर्ट आती है, भाई आज आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी, बादल नहीं आएंगे। अगले दिन फिर आपका फिर वेदर रिपोर्ट आती है, भाई आज बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी, उसको बोलते हैं वेदर रिपोर्ट। यानी कि वायुमंडल के अंदर एटमोसफेयर में जो शॉर्ट टर्म जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर। अब सवाल उठता है कि क्लाइमेट क्या चेंज, क्या का, 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 क्या मतलब होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट बेटा कुछ नहीं है, क्लाइमेट पहली बात तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर जितनी वेदर एक्टिविटी होती है उनको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट क्या है, इट इज या दीज आर the weather activities of an area for a particular time. एक दिए गए समय पे, एक दिए गए जगह की, एक दिए गए समय के लिए जो वेदर एक्टिविटीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। वेदर एक्टिविटीज में क्या आ सकता है, रेन, टेम्परेचर, विंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली का ले लेते हैं, दिल्ली एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली का हम मेजर करते हैं जनवरी से लेकर और मई, ये 5 मंथ्स हो गए। तो 5 महीनों के अंदर, 5 महीने यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, दिल्ली एक आपका क्या हो गया, एक एरिया हो गया, ठीक है। तो इन 5 मंथ्स में दिल्ली के एटमॉस्फेयर में कितनी चेंजमेंट हुई है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एवरेज टेम्परेचर कितना गया, एवरेज रेनफॉल कितना हुआ, लोवेस्ट टेम्परेचर कितना गया और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, यानी कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक टाइम फ्रेम में, भाई 5-6 महीने के अंदर दिल्ली में कितना परिवर्तन हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, या वेदर एक्टिविटीज में कितना चेंज आया है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। तो शॉर्ट कहने का मतलब है कि वेदर जो है ये एक शॉर्ट टर्म है, ये डे टू डे बेसिस पे चलता है,
वेदर के बारे में एक चीज और लिख लीजिए, इट इज डे टू डे बेसिस समझे, डे टू डे बेसिस पे होता है ये। और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट आपका होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समझ में आ गया, बताइए भाई बाबू, क्लियर है? अब बेटा इस चैप्टर में जो हमारा क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत सारे फीचर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा क्लाइमेट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम का एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी वेदर कंडीशन, कितनी वेदर एक्टिविटीज होती हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको हम क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फीचर्स, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग चीजों पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला फीचर है एल्टीट्यूड, तो बोलते हैं ऊंचाई। एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। दूसरा है लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे जो लाइंस हम लगाते हैं अर्थ के एक्सिस पे, आपको पता है ना दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो हम, क्लास सिक्स का चैप्टर है मैम, मैं आपने पढ़ा था, एक्स एक्सिस पे जो इमेजिनरी लाइंस हम लगाते हैं उनको लैटिट्यूड्स। और क्लाइमेट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, रिलीफ्स, रिलीफ्स का मतलब होता है आपका माउंटेन्स, वैलीज, मतलब पर्वत और घाटी, ठीक है। इसके अंदर प्लेन एरिया भी आता है, मैदानी भाग, तो इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है आपका क्लाइमेट। फोर्थ इसमें क्या है, विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स, इसको बोलते हैं हवा एवं वायु दबाव पेटियां। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ओशन, फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। एक बात हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी जगह समुद्र से जितनी दूर होगी वो बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगे वहां। वो गर्मियों में ज्यादा गर्म होगी, सर्दियों में ज्यादा सर्द होगी। जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, ये ऐसी जगह हैं जो सी से ज्यादा दूर है और यहाँ पर विंटर में ज्यादा विंटर और समर में ज्यादा समर होता है। और लास्ट फीचर है आपका ओशियनिक करंट, ओशियनिक करंट का मतलब होता है समुद्री जलधाराएं। तो इन छह फीचर्स के ऊपर किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में अभी हम जानेंगे, तब तक इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज एल्टीट्यूड, किसी भी जगह का क्लाइमेट सबसे पहले एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, ये कहना ज्यादा सही। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, जैसे आपको मैं कहूँ एक जगह है शिमला या राजस्थान, तो शिमला और राजस्थान में किसका टेम्परेचर लो है, आप सीधा कहेंगे सर शिमला का। रीजन, शिमला बेटा 2500 मीटर की हाइट पर, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, यहां है शिमला और ये है राजस्थान, दिस इज राजस्थान एंड दिस इज शिमला, एंड द हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज 2500 मीटर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप सी लेवल से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा,
हर एक 165 मीटर के ऊपर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कब होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सीधी सी बात ये। लेकिन क्या एक सवाल हो, मैं आपसे फिर पूछता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये अर्थ है और ये सन है, और मैं कह रहा हूं अगर आप हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका कम होगा। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि आप एक्चुअल में अगर ऊपर जाएंगे तो आप असल में जा तो सन की तरफ रही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये कैसे पॉसिबल। इसका सीधा सा जवाब है बेटा, जो एटमोस्फेयर की फर्स्ट लेयर है, जो एटमोस्फेयर की फर्स्ट लेयर है उसके अंदर अगर आप हाइट पर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर के अंदर ओजोन लेयर नहीं है, क्योंकि ओजोन एक ऐसी लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का काम करती है। समझ में आ रही मेरी बात। तो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर के अंदर, ये जो फर्स्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, इसके अंदर अगर आप हाइट पर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ही आप एटमोस्फेयर की सेकेंड लेयर में एंटर करेंगे, आप हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज की बजाय टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा सिर्फ होता है इन द फर्स्ट लेयर, इन द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल की पहली परत में ही यह घटनाक्रम होता है कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसके बाद सेकंड लेयर में जाएंगे तो हाइट भी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो एटमोस्फेयर की ये फर्स्ट लेयर है इसी के अंदर सारी की सारी क्लाइमेटिक जो घटनाएं हैं इसी में होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी, बारिश का आना, बादल फटना, आंधी चलना, तूफान आना, ये सारी की सारी हवा का चलना, ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। इसीलिए हमें सिर्फ फर्स्ट लेयर से मतलब है। जब एटमोस्फेयर करवाऊंगा 10th क्लास में तब आपको बताऊंगा एटमोस्फेयर की सारी लेयर्स के बारे में। अभी सिर्फ इतना जानिए कि अगर एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज होता है, ऊंचाई अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और किस रेट के साथ डिक्रीज होगा, हर एक 165 मीटर के ऊपर टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू जो है ये करीब 1700 मीटर की हाइट पर है, राजस्थान में है बच्चों, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं माउंट आबू। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन है तो राजस्थान। बड़ा सुनिए, माउंट आबू एक जगह है जो 1700 मीटर की हाइट पर है, सी लेवल से राजस्थान में है, और अगर आप माउंट आबू जाएंगे तो आपको कंबल की जरूरत पड़ेगी दिन में, यहाँ का एटमोस्फेयर ठंडा है। तो बात सब समझ में आ रही है कि क्लाइमेट जो है हाइट से बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। ये क्लियर है। और आगे चलते हैं, एल्टीट्यूड के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लेटिट्यूड। तो लेटिट्यूड एक्सप्लेन करने से पहले अब मैं चाहूंगा एक बार आप इसको फटाफट से नोट करें और फिर चलेंगे नेक्स्ट है बच्चों, लेटिट्यूड अक्षांश। मैंने कहा था ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ऑन एक्स एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के एक्स एक्सिस पर काल्पनिक रेखाएं जो हमने बनाई। अब यहां देखिए साहब, ये है हमारी प्यारी धरती एंड दिस इज द लाइन जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच है, इसको हम बोलते हैं बच्चों 0 डिग्री लैटिट्यूड। बहुत ही काम का टॉपिक है, आप 10th कर जाइए, 12th कर जाइए, बीए कर जाइए, जो मर्जी कर जाइए, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आया तो ज्योग्राफी की समझ आपके लिए जीरो है। और ये इतना आसान है, ये खुद कहेगा मैं आपके समझ में आऊंगा, आप चाहेंगे कि ना आए लेकिन फिर भी आएगा। 0 डिग्री को बच्चों बोलते हैं इक्वेटर, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। समझ आई। और बच्चों एक लाइन यहां है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क, तो बोलते हैं कर्क रेखा। इंडिया के बीचों बीच होके जो पास होती है वो ये वाली लाइन, ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बिल्कुल बीचों बीच होके पास होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये भारत है, दिस इज इंडिया, ये मैंने स्क्रीन पे जो कलर भर दिया है इसमें, ये आपका इंडिया है। चैप्टर फर्स्ट में जाके देखिएगा, मैंने वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन, उसमें मैंने बताया है ये चीज। दूसरा ये है बच्चों 23.5 डिग्री साउथ, तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ, बच्चों ये क्लास हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी चला सकते हैं, बट उसका क्या फायदा जो आपके समझ में ही ना आए। मुझे आपको अंग्रेज नहीं बनाना, एक ऐसा इंसान बनाना है जो आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकें, फिर अपने सुविधा अनुसार उसको आप किसी भी लैंग्वेज में किसी को भी एक्सप्लेन कर सकें। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाली, है ना, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया है इसको बच्चों क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन ये किस कितने डिग्री के बीच में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है। अब जो इस जोन की खास बात है, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है, ये जो जो ट्रॉपिकल जोन है जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ये है ऐसा हिस्सा है जहां पूरे साल जो सन की रेज है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री सीधी पड़ेंगी, और जिस वजह से ट्रॉपिकल जोन जो है, ये लिख देता हूं मैं, सन रेज लाइज परपेंडिकुलर, इस हिस्से में 12 के 12 महीने सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, 12 के 12 महीने गर्मी रहती है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ नमी भी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ये भी ज्यादा होती है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये जैसे भारत का मैप है, ऐसे मैं आपके लिए बना देता हूँ रफ रफ डायग्राम, ये ऐसे मैप है हमारे इंडिया का, कितनी बार मैंने आपके लिए बनाया, यहां से ये लाइन बीचों बीच पास होती है, ये है आपकी कर्क रेखा। इसका मतलब ये है, और ये कौन सा भारत है, ये दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है। इसका मतलब जो साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसका मतलब साउथ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो आपने कभी सुना कि केरल में बर्फ गिरी, तमिलनाडु में बर्फ गिरी, बेटा क्यों नहीं गिरती वहां पे, क्योंकि वो जो एरिया है भारत का, साउथ एरिया है, साउथ जो इंडिया, वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, वो धरती के ऐसे हिस्से में आता है जहां 12 के 12 महीने गर्मी रहती है। इसीलिए साउथ इंडिया के जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनका स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, काला होता है। समझ में आ गई कि नहीं आई? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि साउथ इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल जोन। दक्षिण भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में कभी गर्मी नहीं, कभी सर्दी नहीं आती। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब एक चीज और आपको बता दूं, एक ऐसी फसल का नाम बताइए, ऐसी क्रॉप का नाम बताइए जिसको बोते समय टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी भी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, नमी भी ज्यादा चाहिए। बेटा हरियाणा ही नहीं, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां करीब 55 से 60% लोग खेती करते हैं। तो खेती से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एग्रीकल्चर से, ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको जब हम लगाएं खेत में, कल्टीवेट करें, तो टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो। मेरे नजर में तो एक ऐसी क्रॉप है पैडी। पैडी से ही बच्चों क्या निकलता है, राइस, चावल।
समझे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई अनाज अगर खाया जाता है तो वो राइस है, तो ऐसी क्रॉप है बेटा पैडी। तो आप लिख सकते हैं पैडी इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। जो धान है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा, समझ रहे हैं आप। इसीलिए इस हिस्से में ही सिर्फ चावल उगाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर पंजाब तो नॉर्थ इंडिया में आता है, फिर पंजाब कैसे नंबर वन है हरियाणा में, पूरे भारत में चावल उगाने में। बच्चों ध्यान से समझना, मैंने कहा कि चावल वहीं उगेगा, पैडी वहीं उगेगा जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा। तो चावल लगाया जाता है अगस्त और जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने। उस वक्त टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि गर्मी होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी 99% लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिसकी 99% भूमि पर सिंचाई यानी कि पानी अवेलेबल है, आसानी से नमी वहां पे अवेलेबल है, नदियां इतनी है साहब, समझ में आ रही है। तो इसीलिए पंजाब पड़ता है आपका नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता, फिर भी पूरी इंडिया में नंबर एक पर पंजाब है चावल उगाने। रीजन क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी सारी, समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल जोन समाप्त। इसके बाद ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला। इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हमारा टॉपिक चल रहा है लैटिट्यूड, लेकिन अभी तक सर आपने ये तो बताया नहीं कि लैटिट्यूड का क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ता है। अरे मूर्खो, सीधी सी बात है, जो हिस्सा अर्थ का ट्रॉपिकल जोन में आता है वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, समझ रहे हो, और जो हिस्सा सब ट्रॉपिकल में आएगा वहां देखते हैं अभी क्या होता है। अब तक नोट करिए इसको। नेक्स्ट है बेटा सब ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल जोन। बेटा एक बात बताइए, शीत का मतलब क्या होता है? विंटर। और उष्ण का मतलब होता है समर, यानी कि धरती का वो एरिया जहां पर विंटर में ज्यादा विंटर और समर में ज्यादा समर होती है। आमतौर पर इस ऐसी जो क्लाइमेटिक है इसको बोलते हैं हम मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट। और मॉनसून क्लाइमेट या सर्दियों में ज्यादा सर्दी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी तभी होती है जब कोई जगह सी से ज्यादा दूर होती है, अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम। समुद्र से अगर कोई जगह दूर पाई जाएगी तो सीधी सी बात है वो किस जोन में पड़ती है बच्चों? सब ट्रॉपिकल जोन में। और नॉर्थ इंडिया आपका इसी में आता है, नॉर्थ इंडिया इसी में स्थित है, ठीक है। तो इस जगह पर गर्मी में ज्यादा गर्मी, सर्दी में ज्यादा सर्दी, इसका मतलब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, ये सब जो एरिया है, वेस्ट बंगाल, ये किस में आता है? सब ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। और मुझे एक बात अच्छे से बताइए, ऐसी कौन सी क्रॉप जिसको हम सर्दी में लगाते हैं, सर्दी में बोते हैं और गर्मी में काट लेते हैं? वीट, गेहूं। तो गेहूं जो है वो किस प्रकार की क्लाइमेट का प्लांट है? सब ट्रॉपिकल। इसीलिए बच्चों भोपाल से अगर नीचे आप जाएंगे भारत में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल के पास से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भोपाल से जितना नीचे जाएंगे आपको गेहूं नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं सिर्फ एमपी से ऊपर ऊपर वाले हिस्से में होता है, और एमपी में होता है, राजस्थान में होता है। क्यों होता है? क्योंकि गेहूं सब ट्रॉपिकल जोन का प्लांट है और नॉर्थ इंडिया आपका सब ट्रॉपिकल में आता है, तो इसीलिए लेटिट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। जो जो प्लेस ट्रॉपिकल या जो इक्वेटर से जितना ज्यादा दूर होगा, फिर धरती पर स्थित कोई भी जगह इक्वेटर से जितना दूर होती चली जाएगी उसका टेम्परेचर उतना ही कम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये क्या है, पोलर जोन है। पोलर जोन, पोलर जोन क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड है। पोलर जोन ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ, वेरी कोल्ड।
इंसान नहीं रह सकता है। तो इस तरीके से बच्चों पहला पॉइंट आपने देखा, एटीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है, लैटिट्यूड का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रिलीफ का क्या फर्क, विंड एंड प्रेशर बेल्ट का क्या फर्क है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये यहाँ पे कवर हो गया आपका पॉइंट, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, कवर हो गया। ओशनिक करंट्स, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ज्योग्राफी बच्चों एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, रखने का सब्जेक्ट नहीं, आपने देखा भी अभी। तो जितना आपको समझ में आया यही बातें अपने 5 फ्रेंड्स को भी आपको समझानी है, ताकि वो भी इस कोरोना काल जो पेंडेमिक अभी चल रहा है अपने एजुकेशन को फ्री और अच्छे टीचर्स के द्वारा कंटिन्यू रख सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ, बी सेफ, थैंक यू।